हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। होप करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। और मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अभी दिल्ली से, अपनी ननद के घर से। फिलहाल अभी हम लोग गृह प्रवेश के इधर ही हैं। बाकी लोग तो सब चले गए थे, लेकिन मेरी फैमिली और दीदी की ननद और उनके हस्बैंड और दीदी की सास, हम इतने लोग इधर ही हैं। 16-17 मेंबर्स हो रखे हैं फैमिली में। तो आजकल हमारा सब खाना पीना आराम से हो रहा है। मैं अभी अभी नहाई और मैं आ रखी हूँ छत पे कपड़े डालने। तो मैं छत से ब्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ कि आज है हमारे परिवार में बर्थडे, और बर्थडे है मेरी सासू जी का। तो उनको उनका सरप्राइज़ बर्थडे आज, उनको पता नहीं है, बाकी सारी फैमिली को पता है। तो वो लोग नीचे बैठे हैं सब लोग, इसलिए मैं उनके सामने ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उनको पता चल जाएगा। उन्हीं सासू जी को ही पता नहीं है, बाकी सबको पता है। तो अभी हमने केक भी ऑर्डर कर दिया है, और अभी हम दिन में ही उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हमें नाइट में ना ख़ास जगह से इनविटेशन आ रखा है, तो डिनर में हमें वहाँ जाना है। तो इसलिए हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट अभी दिन में करेंगे। तो बाकी सभी लोग तो नीचे हैं, तो मैं भी अब नीचे जाती हूँ, और फिर चलो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो आप लोग बने रहना मेरे साथ। तो और आजकल यहाँ ना पता ही नहीं चल रहा टाइम का कि कब हो जा रहा है, सुबह से शाम कब हो जा रही है। टाइम ऐसे निकला जा रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है। इतने लोगों के साथ साथ होता है ना, साथ साथ में जब इतने सारे लोग रहते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो चलो अब मैं चलती हूँ नीचे। वो लोग मेरे लिए बोल रहे होंगे कि पता नहीं क्या कर रही है इतनी देर से छत में। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे। मिठाई खाओ, मिठाई सब लोग मुंह मीठा कर लो। क्या ये मिठाई की रेशमा छोरा जानते एक टुकड़े खाना है, मिठाई मीठ करना मुंह। अरे मिल भी थोड़ी है, लो मुंह मीठा करो आप लोग भी। मिल वाला काम सब लोग हो रहे हैं तैयार अपने अपने, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब लोग अपने अपने तैयार होने में लगे हैं। और मैं तो हो गई हूँ तैयार, अरे हीरो भी हो गया है तैयार उधर। हाय, अरे यार मेरे भांजे के सूज नहीं मिल रखे, वो उदास हो गया है। समदन समदन दोनों समदन समदन की फोटो शूट हो रही है। बहुत अच्छा लगना चाहो तुम, साड़ी भी मस्त लग रही थी तुम्हारी। देखा भी ना, देखा सबकी फोटो शूट हो रही है आज, दोनों भाई बहन और भाभी। हमारे बच्चा पार्टी भी फोटो शूट कर रही है अपना। ऊपर तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया है 3, और सभी लोग रेडी हो गए हैं, अभी केक काटने की भी तैयारी है, और अब सरप्राइज ओपन होने वाले हैं। और अब देखते हैं कि सासू जी का एक्सप्रेशन कैसे रहता है। तो आप लोग मेरी वीडियो में आखिर तक बने रहना, दिखाते हैं। क्यों नहीं जाऊंगी, सरप्राइज बर्थडे। चलो चलो दीदी, अब सासू जी का एक्सप्रेशन देखते हैं। हैप्पी बर्थडे, चला Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday। नाम बोल के सब बोल, नाम बोल, नाम बता, नाम बोल, नाम बोल, ये बोल के जरा हम कहीं होंगे। मैं सिर्फ ये बोल रहा था, पता नहीं अब तुम तो खुला ना हो, अब कहते नहीं खुला के।
ये पैर बड़े गिर तो था छोटे थे सबे नाती ना तुम्हारा जी कुछ ना क्या मेरा नाती ना तुम्हारा भी सरदार बटे का पचास अभी से कच्चा खान मिल रहा ही रोल अरे एक केक खा के जाएंगे सब लोग मुंह मीठा करके सरप्राइज बर्थडे भी हो गया है और अब घर जाने की तैयारी भी हो गई और आज जा रहे हैं हम अपनी भांजी के ससुराल सारी फैमिली उसने इनवाइट कर रखी है तो अब मम्मी तेरे पर्सनल जरा क्लिप है आधे लोग तो चले गए दूसरी गाड़ी में और आधे लोग जाएंगे इस गाड़ी में और मौसम भी ना ठंडा ठंडा हो गया है तो चलते हैं तो समझूल समझूल जा रहे हैं अपने समझूल छतरपुर से जा रहे हैं पश्चिम बिहार अपने समझूल की तरफ तो गाइज ये रही मेरी भांजी उसने हमें चाय पानी कोल्ड ड्रिंक पिला के और अब लग गई है वो हमारे लिए रोटी बनाने में अच्छा ये कितना अच्छा बना रखा ना रोटी बेलने के लिए अलग से हाँ पापा ने करवाया था ये रोटी वगैरह बनाओगे तो और ये है हमारी समदन जी यानी मेरी भांजी की सास तो चलो मैं आपको अपनी भांजी का पूरा घर दिखा देती हूँ तो सबसे पहले यहाँ से है मेन डोर और ये रहा ड्राइंग रूम और यहाँ पे बैठे हैं दोनों समधी जी ये ड्राइंग रूम है और इधर है टीवी पैनल और साथ साथ में है यहाँ पे डाइनिंग की टेबल चेयर और यहाँ से चलते हैं इधर ये रहा किचन ये पूरा ओपन किचन है और किचन भी खूब बड़ा है खुला खुला सा और अब इधर से है और अब इधर से सीधे आगे है मेरी भांजी का बेडरूम और यहाँ से है बाहर बालकनी का रास्ता अच्छा इधर ये पूरी बालकनी है ये दादी के नीचे वाला दादी का पीछे और यहाँ से है दूसरा बेडरूम ये है गेस्ट रूम गेस्ट के लिए बालकनी इधर पूरा ये गेस्ट रूम और इधर से है फ्रंट की बालकनी और इधर से फर्स्ट फ्लोर में जाने की सीढ़ियां और यहाँ से नीचे जाने की सीढ़ियां और इधर से है फ्रंट की बालकनी अच्छा इधर है पूरी खुली खुली सी बालकनी और ये यहाँ पे अच्छे अच्छे प्लांट लगा रखे हैं बहुत ही प्यारा घर है मेरी भांजी का क्या सुड़का रहा है चाय चलिए जी हो गई हमारी अब जाने की तैयारी चलिए ठीक है बाय 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 वीडियो बन जाए चार आ जाए
अरे इस माता का बाय चलो चलो आकाश बाय 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 रेशमा याद आ रही है गांव की बाय 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 चटपट ये सारे के सारे घुस गए लिफ्ट में और मैं और मेरी प्यारी दीदी तो पैदल पैदल जा रहे हैं यहाँ सीढ़ी से है ना लाइट भी नहीं है रे इधर सीढ़ियों में तो खाने माने दीदी से थकान लग गई हमको आज चला भी नहीं जाना हमसे इतनी सीढ़ियाँ हैं ना ये ठीक है मैं फोर्थ फ्लोर में जाना है ऐसे लिफ्ट में तो ना मोटे मोटे सांड घुस गए और आपको हमारा वैसे सही है ना हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी हमारा खाना भी पच जाएगा ये तुम लोग अभी तक नहीं पहुंचे क्या मैं भैया लिफ्ट बंद हो गए रे लोग फंस गए रे यहाँ पे बस आज वहीं सो जाओ तुम ठीक है ये तुम लोग वहीं सो जाओ अब ठीक है ये लोग फंस गए लिफ्ट के अंदर लिफ्ट बंद हो गई तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं अपने घर में अपनी भांजी के घर से और टाइम हो गया है 12 बज गए हैं और अभी ये लोग भी लिफ्ट के अंदर फंस गए थे तो बड़ी मुश्किल से लिफ्ट खुली क्योंकि लिफ्ट में वेट ज़्यादा हो गया था वो नीचे को जाने लग गई थी पर भगवान का शुक्र कि वो खुल गई और ये लोग बाहर आ गए तो आज के लिए इतना ही आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ होप करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो लाइक करना कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मैं सुमन रावत मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए बाय बाय गुड नाइट